हेलो फ्रेंड्स, तीन महीने में स्टॉक बढ़ा है और इंडेक्स बढ़ा है। ये रेड लाइन है वो ईएमए 20 डेज की लाइन है, ये ब्लू लाइन है वो ईएमए 50 डेज की लाइन है। निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाईस। निफ्टी जिस तेजी से ऊपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ। करेक्शन तो आया ही नहीं, मार्केट सिर्फ वन साइड चली है। ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्सल होता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी बड़ा ही होता है। स्टॉक प्राइस ने यहाँ पर ईएमए 20 का सपोर्ट लिया, मार्च 2020 से जो भी न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने डेढ़ साल सिर्फ तेजी देखी, पैसा भी बनाया। मंदी का एक्सपीरियंस उनको नहीं था, अब पैसे टूटने की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक अपमूव देख सकते हैं, प्राइस तेजी से ऊपर उठी। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की और उनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बेच नहीं पाए हैं। यहाँ से यहाँ तक जिसने भी लिया वो आज लॉस में है। अगर किसी और स्टॉक के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube सर्च में लिखें CA प्रशांत शाह और शेयर का नाम। जैसे आपको रिलायंस का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांत शाह रिलायंस और सर्च करें, आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी। कल प्राइस के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, दो तीन दिनों का टारगेट। थैंक यू।